कटवर्क वाला फुल स्टिचिंग सूट आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। पूरा बारीकी से बताएंगे कैसे कटवर्क करना है, कैसे सूट को कटिंग करना है, किस क्या फार्मूला इसका होता है, पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। आज की वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया ना तो आपको कटवर्क बनाने का, जो चाहे पैंट में कटवर्क बनाए या प्लाजो में कटवर्क बनाए, कहीं भी फुल स्टिचिंग सूट आपको यहाँ पे बताने वाला है कटवर्क के बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा अस्तर है, 2 मीटर अस्तर है हमारा, 40 इंची हमारी इसकी लंबाई है। और मैं आपको पहले मेजरमेंट बता देता हूँ, उसके बाद चलते हैं आगे। लंबाई हमारे से 40 है और अपर चेस्ट, चेस्ट और कमर और हिप इसके बाद बता देते हैं। हिप जो हमारा है 22.5 है, कमर जो हमारा है 19.5 है और जो चेस्ट है ये हमारा 21.5 है, जो अपर चेस्ट है वो 22 है। दोस्तों यहाँ पर बता देते हैं ये सूट का नाप है, हाफ नाप है। आप अपने नाप लेने के बाद अपने अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हैं। ये हमने अपने लिए लिया है और आप अपने लिए अपने मेजरमेंट पे कटिंग करना। हमारा शोल्डर जो है 6.5 है और आर्म होल का जो है वो भी 6.5 पे हमने यहाँ पे लिया है। सीधा एक निशान लगाया है, उसके बाद यहाँ पे हमने 1.5 इंची डाउन कर दिया, आगे के बढ़ा दिया। ठीक है, इस अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने 1.5 इंची बढ़ाया और यहाँ से हमें 1.5 इंची बढ़ा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम कर देंगे सेप। फ्रंट हमारा गला 7 इंची है, बैक हमारा गला जो है 8 इंची है। आपको सेम तरीके से इसी तरीके से करना है। अगर आपका गला डीप है तो सेम फार्मूला यूज़ करना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, गारंटी है। गला अगर छोटा है तो फार्मूला चेंज होगा, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। डाइट पॉइंट हमारा 11 इंच पर आएगा, कमर हमारा 15 इंच पर आएगा, हिप हमारा 21.5 पर आएगा, लेंथ हमारा पूरा है। अब क्या करेंगे, यहाँ का सारा फार्मूला का हम जो हमारा हाफ है उसका हम यहाँ पर निशान लेंगे, 11 × 22 200। और यहाँ पे हम 23 इंची रखेंगे घेर, हिप से 1 इंची घेर थोड़ा ज़्यादा रखते हैं और 19 इंची हमारा जो कमर है और यहाँ पे 21.5 जो हमारा है अपर चेस्ट है और अपर चेस्ट जो है 22 इंची है। तो सेम टू सेम फार्मूला आप भी अपने मेजरमेंट, जो आपका सूट होगा या जो आपने नाप लिया उसका मेजरमेंट आपने यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, और फटाफट करके ये निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे कटवर्क वाला जो सूट है और उसको बना पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा निशान लग चुका है। दोस्तों क्या होता है, साइडों में कटवर्क है, फुल साइडों में कटवर्क है, तो क्या करना होगा हमें, यहाँ पे हमें मार्जिन रखना होगा 3-3 इंची साइड में, क्योंकि हमें उसी में पेस्टिंग करके उसी में ही पलटना है। तो आपको 3-3 इंची को मार्जिन रख लेना है और मार्जिन रख करके देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर गोलाई करना है। मैं आपको बता रहा हूँ गोलाई यहाँ नहीं करना, आप मत कीजिए यहाँ पे, लेकिन बनना है ऐसा है। ठीक है, तो कटवर्क जो है डिज़ाइन सेम ऐसे बनेगा। तो अभी मैं आपको पेस्टिंग भी कटिंग करके दिखाएंगे कि पेस्टिंग की कटिंग किस तरह से आप कर पाएंगे। मान लो अगर आप नए हैं, विगनर्स हैं, या फिर आप आपको आता भी है तो फिर आप किस तरह से पेस्टिंग काटते हैं, और मैंने जो कमेंट जो हमने कटिंग किया है वो उसके बारे में डिटेल से आप मेरे को बताना और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ठीक है, लेटेस्ट वीडियो और सबसे हटकर मैं वीडियो लेकर आऊँगा और जेन्युइन बात बताऊँगा आपको। ठीक है, कुछ भी छुपाना नहीं, यहाँ पे सब कुछ आपको बता दूँगा, सब कुछ बताने वाला हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी छुपाने वाला नहीं हूँ। क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे लोग वीडियो काट काट के बनाते हैं, आपको समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ मैं जितना बात बताऊँगा आपको डिटेल में बताऊँगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पे हमारी दोनों पल्ले की कटिंग हो चुकी है, यहाँ पे हम चटका लगाएंगे। ये हमारा हिप जो भी है, यहाँ पे आर्म होल का, हिप का, अपर चेस्ट, सब पे चटका लगा लेंगे ताकि हमें पता चले ना भाई कहाँ पे क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पे हाला भी इस तरीके से काट लेना है आपको, देखिए छोटा बड़ा होता ना, और हम कंधी भी बड़ा रखते हैं, 1/2 इंची जो हमारा कंधी जो बैक पल्ला है वो बड़ा रहता है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को चेस्ट कहते हैं ऊपर चढ़ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, जो हमारा पल्ला है वो बड़ा रखते हैं हम बैक का, तो जो भी सूट बनाएंगे तो ऊपर नहीं चढ़ेगा। और इस तरीके से गला भी बनाना है हमें इसमें, तो मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूँ। पहले फटाफट कटिंग कर लेते हैं, कटिंग करने के बाद ले चलेंगे अपने मशीन पर और आपको जब सब कुछ बारीकी से बताएंगे। तो करते हैं पहले कटिंग फटाफट, यहाँ पर लगभग मेरा कटिंग हो चुका है देख लीजिए आप। और इस तरह से गला बनाना, ये हमारा फ्रंट पल्ला हमने बिछा रखा है, साटन का कपड़ा है। अगर आपके पास कुछ और कपड़ा है तो उस कपड़े में बना सकते हैं, नो इशू। इसमें दोस्तों क्या होता है, साटन का कपड़ा है, संभालना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो कपड़ा आपको समझ सके वो हिसाब से आप वो कपड़ा लेकर के इसमें बना लीजिएगा। तो अब हम इसको करते हैं कटिंग, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको बिछा लिया है, तो फटाफट इसको आप कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, सेटिंग करके ही कटिंग करना, क्योंकि अगर तार आपका सही रहेगा तो कपड़ा आपका टेढ़ा नहीं जाएगा, भगेगा नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में टेढ़ा मेढ़ा बिछा लेते हैं, बस वहाँ से भी
कपड़ा घूमना स्टार्ट हो जाता है। तो कपड़ा क्यों घूमता है उसके डिटेल में एक वीडियो बना देंगे कि कपड़ा घूमता क्यों है, और आप कमेंट कीजिएगा कि आप में कपड़े में क्यों प्रॉब्लम आता है, या फिर अगर नहीं आता है तो भी कमेंट कर दीजिएगा, और आता है तभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और बस यहाँ पे हमारा फ्रंट पल्ला जो है कट हो चुका है, अब हम अपना बैक पल्ला कटेंगे। अस्तर वाला सूट है दोस्तों, देखिए बहुत लोग तो नॉर्मल में ही कटवर वाला बनाने में दिक्कत आता है, बहुत लोगों को नॉर्मल सूट में कटवर्क वाला डिज़ाइन बनाने में दिक्कत आता है। यहाँ मैं आपको अस्तर वाले सूट में कटवर्क वाला डिज़ाइन बताने जा रहा हूँ और बना के दिखाऊंगा, तो वीडियो में पूरा जरूर बने रहेगा, तभी एक एक बात जब आप समझेंगे ना तभी आप तो कटवर्क वाला जो डिज़ाइन है वो बना पाएंगे। अगर आपने आधा अधूरा ज्ञान लिया है या देखा है तो फिर आगे आप नहीं बना पाएंगे, सही तरीका नहीं बना पाएंगे, बना लेंगे ऐसे नहीं कह रहे, सही तरीके से नहीं बना पाएंगे। इसीलिए आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए, और इस वीडियो को ना आप बैठिए तसल्ली से बैठ के देखिए, जल्दीबाजी की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ से हम इसको काटेंगे कट, अब इसके करेंगे गोलाई, ये है यहाँ ये हमारा पैटर्न बन गया है, जो कटवर का पैटर्न यहीं से बन देगा, ठीक है। अब मैं इस पैटर्न बना के दिखाता हूँ, आप भी सेम इसी तरीके से पैटर्न बना लीजिएगा, एक पेस्टिंग पेपर लेकर के यहाँ से कटिंग करके इस तरीके से आप जो है कटवर का डिज़ाइन बना लेना। अब हमें चारों पल्ले में कटवर्क कट करके लगाना है, तो यहाँ पे 32 इंची जो हमारा स्लिट है वो टोटल 32.5 इंची आ रहा है, तो मैं उसके हिसाब से यहाँ पे नाप ले लेंगे। ये देखिए 32 पे आ रहा है तो 33 काट लेंगे, और 33 का हमने चार पल्ला ले लेना यहाँ से फटाफट, हम चार पल्ला लेकर के इसको स्टेपलर करेंगे और स्टेपलर करके फिर कटिंग भी करेंगे। तो पहले चारों पल्ला ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए चारों पल्ला हमारा यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे हम इस पे बराबर करके लगाएंगे स्टेपलर पिन, और आप भी सेम इसी तरीके से इसको बनाना, कोई जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि जल्दबाजी करना सही नहीं है। अगर आपको टाइम नहीं है तो आप बाद में बना लेना, आराम से बनाना, क्योंकि कटवर्क वाला डिज़ाइन है, थोड़ा संभाल के भी बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों देख लीजिए पूरा वीडियो को, ठीक है। देखिए इस तरह के उसको पैटर्न को यहाँ पर रखेंगे, और हम इस पेन से इसकी गोलाई करके फटाफट इस तरह से गोलाई कर लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे वाइटनेस ज़्यादा आ रहा, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कटवर्क का निशान लगा के और कट करके मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे शेड जो है आपको बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए मेरे ख्याल से आपको नहीं दिख रहा होगा। तो इस तरह से गोलाई कर लेना है, और फिर इसको आगे बढ़ाना है, फिर यहाँ से मिला करके फिर एक गोलाई कर लेना है इस तरीके का। देखिए जिस तरह मैं निशान लगा रहा हूँ सेम इसी तरह से आपको निशान लगाना है, आप चौक मिट्टी से लगा लीजिए किसी तरह से। देखिए निशान हमारा लग चुका है, अब हम इस पर हम कटवर्क कर लेते हैं, ठीक है। तो कटिंग करके दिखाते हैं, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो है कटिंग वर्क कर लेना है, तो आपको भी सेम इसी तरीके से यहाँ पर कटवर्क करना है। और कटवर्क करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसको पेस्टिंग कैसे करना है, कहाँ पे पेस्टिंग करना है, कैसे लगाना है, और मशीन को कैसे सेट करना है, क्योंकि संभालना बहुत बड़ी बात है, संभालना सबको नहीं आता, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप भी संभाल सकेंगे, कितना भी बिगिनर्स हैं अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगा, बट आपको ध्यान से देखना होगा वीडियो को पूरा। देखिए वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से, देखिए ये कटवर्क हमारा हो चुका है, ठीक है। यहाँ से कट करेंगे, ये देखिए ये चार पल्ला हमारा हो चुका है, मैं आपको बिछा के दिखाता हूँ, यहाँ पे बैठा के दिखाता हूँ। ये देखिए एक पल्ला ये हमारा हो गया, और ये हमारा दूसरा पल्ला हो गया, और ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। तो यहाँ पे हमने चारों पल्ले को आपको दिखा दिया कटवर्क करके, सेम इसी तरीके से आपको भी कटवर्क कर लेना है, चाहे आपको बाजू में लगाना है, चाहे आपको स्लिट में लगाना है, चाहे आपको नीचे घेर में दामन में लगाना है, कहीं पर भी लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो है ये गला है, तो गले के कटवर्क तो हमने कटिंग कर लिया है पेपर पेस्टिंग पे। अगर आपको नहीं आता है इस तरह से गला कटिंग करना तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको सेम कटिंग आपको कट करके वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है। तो अगर आपको गला कटिंग करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कमेंट कीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं, आप इस चैनल पर आए हैं ना तो यहाँ पर सब कुछ A to Z मिलने वाला जानकारी, ठीक है, सब कुछ बताएँगे, बारीकी से बताएँगे, ठीक है दोस्तों। तो आप कमेंट कीजिए, जरूर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से गला कटिंग किया जाता है। वैसे भी मैंने और भी वीडियो डाल रखे हैं, मेरे वीडियो सारे जाकर देखिए, आपको एक एक जानकारी वहां से सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये सब कटवर्क वाला डिज़ाइन है, तो थोड़ा सा टाइमिंग ज़रूर लगता है, लेकिन बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है, मैं आपको दिखाऊँगा कि कितना अच्छा लगेगा अभी। ये देखिए ये हमारा जो यहाँ पर
अब हम अपने मशीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे पहले हम इस गले को फोल्ड कर लेंगे फटाफट। दोस्तों इसमें थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा लगता है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो कोई बात नहीं। अगर आपको सीखना है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, और बहुत चीज़ बारीकी से मैंने आपको बता रखा कहाँ पे क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे कटवर करना है, और मतलब एक एक चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ यहाँ पे। देखिए अब मैं आपको वो गला भी लगा के दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे पहले इसको नाप लेंगे, ये देखिए यहाँ पे नाप लिया और यहाँ पे इसको रख लिया, ठीक है। अब यह सेंटर बना लिया। सेंटर बनाने के बाद यहाँ पे सेंटर पे सिलाई मारेंगे, क्योंकि कपड़ा फिसल रहा है, बहुत ज़्यादा फिसल रहा है दोस्तों, और भाग रहा। बस यहाँ पे करेंगे कट और इस तरीके से यहाँ पे हम लगा देंगे। बस यहाँ से इस तरीके से आपको घुमा लेना है फटाफट। ये देखिए, ये आपको भी सेम इसी प्रोसेस से इसको बनाना है, ठीक है। और अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन कॉन्टैक्ट मिलता है और जेन्युइन बात मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। इस चैनल पर मेरा यही वादा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें सपोर्ट करें, क्योंकि जो भी चीज़ मैं बताऊं आपको प्रॉपर तरीके से, ज़मीन से बताऊं, जड़ से बताऊं, कोई भी चीज़ ना मिस करूं। अगर कोई चीज़ मिस होता है तो आप कमेंट करके बताएंगे, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं आपको। आपको कुछ भी सिलाई भी नहीं आता ना, तब भी मैं आपको जीरो से स्टार्ट करवा दूंगा और जीरो से सिलाई सिखाना बताऊंगा आपको, ठीक है। अगर आता है तो और अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ नहीं आता हमें कमेंट कीजिए, हमें कमेंट में बॉक्स में आपके देखेंगे और उसी पर एक आधार पर वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ कटवर्क। आप भी सेम इसी फॉर्मूला से करने के बाद यहाँ पे हल्के हल्के कोने पे चटका मारना है, ताकि ये अच्छी तरीके से बैठ जाए। और बैठने के बाद बस इस तरीके से हल्का हल्का पेस करके इसको पलट लेंगे, और पलटने के बाद बस इस पर क्या करना है, सिलाई लगा देना है। तो मैं अभी इसको पलट करके देखिए यहाँ पे लप पे बारीकी से सिलाई लगाना है, ठीक है। और बोट को थोड़ा सा सेट कर लेना है, अपने लप पे ही चले, कोई ज़्यादा ना इधर उधर भगे तो बोट भी सेट करने नहीं है, तो बोट के बारे में बता देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने बोट को हमारा सेट है, और मैं इसको बस इस तरीके से बारीकी से बता दें। बहुत लोगों के लब लगाना नहीं आता, उस लिए क्योंकि उनकी जो बूट है वो सेटिंग सही तरीके से नहीं रहता है, ठीक है। तो ये देखिए बस यहाँ पे हमारा गला बन चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ बनने के बाद कि ये किस तरह से लगता है। तो कुछ इस तरीके से गला हमारा बनने के बाद दिखेगा। देखिए ये देखिए, तो कटवर्क वाला गला है तो इस तरह बनेगा। अब ये हमारा बैक गला है, नॉर्मल है, तो यहाँ पर फिर भी सेंटर का सिलाई लगाएंगे और फटाफट इसको हम राउंड कर लेंगे। देखिए मैंने आपको जैसे वादा किया है कि आपको बारीकी से सब कुछ बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, सेम उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो गला नहीं बताता, आपको दिखा देता, लेकिन मैंने आपको बना के दिखाना है, सब कुछ बारीकी से दिखाना है, कटवर करके भी दिखाना है। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो में ज़रूर बन रही है, मैं आपको सब कुछ बारीकी से दिखाऊँगा, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ भी नहीं आपको छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। जो भी चीज़ यहाँ पे है मैं आपको सब चीज़ डिटेल में बताऊँगा और सही तरीके से सही जानकारी देने वाला हूँ। ये देखिए बस ये हो चुका है। यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे ताकि ये मज़बूत हो जाए, अच्छी तरीके से लग जाए, और आप भी इसे अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बैठा करके और फटाफट इसको लगा लेना है, और फटाफट लगाने के बाद इसको हल्का कच्चा मार देंगे, ताकि जो तुरपाई करना है तो अच्छी तरह से तुरपाई भी हो जाए, क्योंकि फिसल रहा है तो तुरपाई वाली भी थोड़ा बहुत गड़बड़ कर सकती है, इसलिए आपको कच्चा भी मार देना। ये देखिए बस ये गला हमारा राउंड बैक का बन चुका है। अब दोस्तों क्या करना है, कंधी जोड़ना है, तो कंधी को पहले बराबर रखेंगे, इस तरीके से हल्का डाउन कर लेंगे, इसको भी हल्का डाउन कर लेंगे, बस यहाँ से इस तरीके से करेंगे सिलाई फोल्ड करके और लगा देंगे। ये देखिए ये हो गया। अब सेम तरीके से इसको भी करेंगे। कंधी जोड़ना भी वो एक कला है, अगर कंधी जोड़ना नहीं आता, कंधी आपका गिरता है, तो वो सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। कंधी कभी भी गिरेगा ही नहीं, और आर्मर में झोल आता है तो उसके लिए भी मैं कमेंट कीजिए, मैं बताएंगे आपको। कुछ भी दिक्कत है यहाँ पे सब कुछ जेन्युइन जानकारी मिलने वाला, बस साइड लगाएंगे फटाफट। जो निशान हम लगा के देते हैं उसी पे हम इस पर सिलाई लगाते हैं, और सिलाई लगाने के बाद उसके बाहर एक सिलाई लगा देते हैं, कभी लूज टाइट करना हो तो वही कस्टमर अपना एक सूट का जो खोल लेगा, और उसके बाद कोई और फिटिंग जो है आ जाएगा। पहला तो फिटिंग पे रहता, दूसरा लूजिंग पे रहता, तो एक सिलाई एक्स्ट्रा हम मार के दे देते हैं साइड में, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो आपको सेम इसी प्रोसेस करना है, आप अपने लिए बना रहे, कस्टमर के लिए बना रहे, कोई दिक्कत नहीं, नो इशू, बनाइए।
बहुत ही खूबसूरत से मैं आपको ये बना के देने वाला हूँ कट और कॉर्ड डिजाइन। देखिए फुल वीडियो आपके लिए है ये देखिए, बस ये हमारा लग चुका है। अब हम करेंगे इसको पेस्टिंग, जो हमारा साइड वाला है ये देखिए। आगे हम अपने प्रेस पे काउंटर पे इसको हम इस तरह से बैठाएंगे और पहले हम चारों पल्ले को प्रेस से तोड़ लेंगे, नहीं तो कोई छोटा बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। बना कटवर्क बनाने के बाद छोटा बड़ा होगा तो दिक्कत होगा, इसीलिए पहले साइड लगाना। साइड लगाने के बाद मशीन अपने काउंटर पे जाना है, जो टेबल है आपके पास वहाँ पे जहाँ पे प्रेस करते हैं, उसके बाद उसको सही तरीके से चारों पल्ले को बराबर से तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद हम अस्तर के साइड इसको चिपकाएंगे। देखिए दोस्तों ध्यान से देखने वाली बात है, अस्तर के साइड से चिपकाएंगे, इसमें हम अलग से पेस्टिंग नहीं करेंगे, इसी में सब कुछ करेंगे, क्योंकि हमने मार्जिन वहाँ रखा था 3-3 इंच, इसीलिए रखा था कि मैं इसी में पेस्टिंग कर देंगे, ठीक है। इसी में पेस्टिंग करके हम इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखिए ये पेस्टिंग करके इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और आपको स्वयं इसी तरह से कर लेना है पेस्टिंग करके फोल्ड। और पेस्टिंग करके जब फोल्ड कर लेंगे तो फिर इसको देखिए हम अस्तर के साइड फोल्ड करेंगे। अस्तर से फोल्ड करने के बाद इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कैसे कच्ची सिलाई मार लेंगे ताकि ये जब हम कटवर्क बनाएंगे तो ये आगे पीछे ना जाए, तो आपको भी सेम इसी तरह से कर लेना है। ये देखिए वीडियो को थोड़ा फास्ट करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाती है और फिर बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो ये इतना अगर हम आपके लिए कर रहे हैं तो आप हमारे लिए कमेंट और एक लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर ही सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट है तो हमारा मन करता है और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए हम किस तरीके से आपके लिए वीडियो बना के लाते हैं, सपोर्ट मारिए। ये देखिए इस तरीके से आपको भी कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा और मार्जिन रखना चाहिए वैसे, और बस यहाँ से हम इसको मार्जिन रखेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से लग जाए। देखिए इस तरीके से यहाँ पे मार्जिन रख करके और सिलाई लगा लेना है, तो ये बस हो गया है। ये देखिए इस तरीके से आपको भी यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। तो ये फटाफट गोलाई कर लेंगे, क्योंकि चार पल्ला है, चारों पल्ले में करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम इसको फटाफट कर लेते हैं। कट के फिर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये बनने के बाद कितना अच्छा लगता है और पहनने में क्या खूबसूरत लगेगा या कटवर्क वाला डिज़ाइन। बनाइए अपने लिए। और ये देखिए बस ये देखिए इसी तरीके से आपको भी बना लेना है, ठीक है। ये हो चुका है, यहाँ से कटिंग करेंगे इस तरीके से। ये देखिए ध्यान ये रखें कि जो कटवर्क आप बना रहे हैं उसमें कट करने के बाद ये खुल ना जाए, यानी कि जो सिलाई पे हमने सिलाई लगाया है उस पर कट ना लगे, उसके करीबन 3 सूत बाहर ही आपको कट करना है, ठीक है। और हल्का हल्का चटका मारेंगे यहाँ पे, ये देखिए जहाँ जहाँ पे गैपिंग वहाँ पे हल्का हल्का चटका मारेंगे इस तरीके से, बस। अब इसको हम पलट देंगे फटाफट। ये देखिए पलटने के बाद हमारा यहाँ पर हम प्रेस पर आ गए, अब फिर इसको हम प्रेस मारेंगे। ये देखिए ये प्रेस हमारा लग चुका है और बहुत ही खूबसूरत का डिज़ाइन ये बनने वाला है। देखिए बनने के बाद किस तरह लगेगा, ये देखिए ये फार्मूला आपका है। ये देखिए सेम कति सेम, गला भी बहुत ज़बरदस्त बैठा हुआ है, बाजू का भी कटवर्क बहुत अच्छा हो रखा है, ठीक है। शोल्डर हमने आपको जोड़ना बता ही दिया है, ठीक है। ये देखिए ये कटवर्क डिज़ाइन है। तो मतलब कहने का मतलब इस वीडियो में हमने आपको प्रॉपर तरीके से कटवर्क वाला जो डिज़ाइन सिखा दिया है। दोस्तों नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।